गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन कर रहे हैं सेवंथ क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। पहले अपन ने टॉपिक में पढ़ा था कि क्रस्ट क्या है। अपन ने क्रस्ट के बारे में जाना था कि क्रस्ट जो है एक सबसे अपर मोस्ट लेयर है अपनी अर्थ की, जहाँ पे अपन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे जो भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब रहते हैं, वो क्रस्ट। और क्रस्ट जो है वो भी दो लेयर्स में डिवाइडेड है, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। अपर लेयर के अंदर अगर जहाँ पे अपन अभी खड़े हैं वो अपर लेयर है, एंड लोअर लेयर कौन सी है, जहाँ पे ओशन, ओशन के जो तला है वहाँ पर भी एक क्रस्ट है, वो भी एक जमीनी ही है। सो अगर अपन जहाँ पे अपन अभी खड़े हुए हैं यहाँ से अगर अपन खोदना चालू करें तो अपन 35 किलोमीटर अगर यहाँ से खोदें तो अपन 35 किलोमीटर खोदने के बाद केवल ओशन लेयर पे ही पहुँचेंगे। फिर ओशन लेयर से यदि अगर अपन 5 किलोमीटर अगर और डीप खोदते हैं जब जाके अपन एक क्रस्ट को पार करेंगे। सो क्रस्ट के बारे में तो ये टॉपिक हो गया है, एंड आज अपन बात करेंगे अपनी दूसरी और तीसरी लेयर के बारे में, जो कि है मेंटल एंड कोर। सो फर्स्ट मेंटल, मेंटल क्या होता है, जस्ट बीनिथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर डेप्थ। मतलब जस्ट बीनिथ द क्रस्ट, बीनिथ द क्रस्ट मतलब अपना जो क्रस्ट है उसके जस्ट नीचे से यहाँ से मेंटल स्टार्ट होती है, जो कि 2900 किलोमीटर डेप्थ, मतलब इतनी बड़ी वो लेयर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अर्थ है, ये क्रस्ट जहां पे अपन रहते हैं, ये केवल 35 किलोमीटर जहां पे अपन खड़े हैं और ओशन से 5 किलोमीटर है, मतलब ये टोटल अपन मान ले तो 40 किलोमीटर की है एक लेयर है क्रस्ट। अब जहां पे क्रस्ट खत्म होती है 40 किलोमीटर पे, जस्ट वहीं से ही चालू होती है मेंटल, ये मेंटल लेयर जस्ट वहीं से चालू होती है जो कि 2900 किलोमीटर डेप्थ में जाती है। जो मेंटल की जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर पे मेंटल खत्म होती है, मेंटल खत्म होती है। सो इतनी बड़ी लेयर है ये क्रस्ट, सबसे छोटी लेयर है अपनी अर्थ की, ओनली 40 किलोमीटर्स। एंड जो सबसे फिर सेकेंड जो बड़ी आती है वो है मेंटल 2900 किलोमीटर्स, एंड फिर अपन बात करते हैं थर्ड जो अपनी लेयर आती है कोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर विथ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। ये जो कोर है, जो सबसे सेंटर पॉइंट है अपनी अर्थ का, जो सबसे इनर लेयर अपनी अर्थ की, उसे कोर कहते हैं। ये 3500 किलोमीटर का एक रेडियस है, मतलब 3500 किलोमीटर की एक लेयर है कोर, और बहुत बड़ी लेयर है, सबसे बड़ी लेयर कोर है, फिर उसके बाद मेंटल, एंड देन अपनी क्रस्ट जो सबसे छोटी लेयर, तीन तीनों के कंपैरिजन में। इट्स मेड अप ऑफ नकल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्ड नफे। जो कोर है ये दो धातुओं के, इसमें मेन जो उसमें पाए जाते हैं वो है नकल एंड आयरन, नकल एंड आयरन जिसको नफे भी कहते हैं, नफे जो कि बना है नकल के एनी से, और आयरन, आयरन को साइंटिफिकली जो लैंग्वेज है उसके अंदर फ्यूरस कहते हैं, एफ ई फ्यूरस। तो ये एफ ई यहाँ से आया है, जो आयरन का एक साइंटिफिक नेम है फ्यूरस एफ ई, वहां से आया है, इसलिए इसे नफे कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो कोर है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है यहाँ पर,
मतलब यहाँ पे जाना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर है, जो इसका मतलब है कि ये जो कोर है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली जगह है। और ये जो बात कही है कि निकल और आयरन जो इसके अंदर मोस्टली पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक ह्यूमन है कोई भी हो जो इतना डीप आज तक जा पाया हो, मतलब 30-40 किलोमीटर तो आपको क्रस्ट पार करने में लगेंगे, देन 2900 किलोमीटर आपको मेंटल पार करने में लगेंगे, उसके बाद में आप कोर पे जाएंगे। तो ये किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतना डीपली कोई जा पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप में अपन जैसे ही जाना चालू करते हैं तो वो जो हीट और जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ता है और वहाँ पे सर्वाइव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है किसी भी ह्यूमन बींग और किसी भी चीज़ के लिए। सो तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये जो निकल और आयरन है वो कोर के अंदर पाया जाता है? तो इसके लिए जो एक थ्योरी है जो उसकी साइंटिस्ट कहते हैं कि जो अपनी अर्थ है उसके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी प्लेनेट है, किसी भी अर्थ, किसी भी चीज़ के पास में जो होती है उसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट जरूर होते हैं, दो लेयर जरूर होती है उसके पास में, नक्कल और आयरन, नक्कल और आयरन। तो साइंटिस्ट ने ये माना है कि अपनी अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं कोई सी एक लेयर है जहाँ पे नक्कल और आयरन है, जिसके कारण ये अपनी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोड्यूस होती है अपने अर्थ के अंदर से। सो इसीलिए जो आयरन और नक्कल है ये अपने साइंटिस्ट ने माना है क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और विदाउट नक्कल एंड आयरन ये ग्रेविटेशनल फोर्स पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए के लिए माना गया है इतना हाई, इतना डीप आज तक कोई भी नहीं गया और ना ही कुछ आ पाएगा। जो आज तक की सबसे जो डीपेस्ट माइन है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इन द साउथ अफ्रीका, जो आज तक की सबसे डीपेस्ट माइन है, जो कि आज तक का सबसे डीपेस्ट जो मैन द्वारा एक खड्डा किया गया है, जो माइनिंग की गई है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है, जो कि केवल 4 किलोमीटर डीप है, केवल 4 किलोमीटर डीप। मतलब कि ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट ही 40 किलोमीटर का है और उसके अंदर अपन केवल 4 किलोमीटर अंदर तक ही जा पाए हैं, केवल 4 किलोमीटर अंदर तक। मतलब ये है कि एक किसी भी चीज़ को या किसी भी मतलब सॉलिड चीज़ के ऊपर हल्का सा एक खुरेदना जो होता है ना, अपन ने आज तक ह्यूमन ने केवल वही कर पाए, अपन केवल अर्थ को एक हल्का सा खुरेद पाए हैं, एक हल्का सा जान पाए हैं। और द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6000 किलोमीटर डीप, इज अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6000 किलोमीटर डीप। जो सेंटर है, सेंटर से लेके और जो क्रस्ट तक की जो अपनी जो डिस्टेंस है वो 6000 किलोमीटर है। मतलब आप खुद सोच लीजिए कितनी बड़ी अर्थ है और कितना गहराई तक है अर्थ, और उसके अंदर अपन केवल आज तक 4 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं, मतलब एक हल्का सा एक खुरेदना ही कह सकते हैं इसको अपन, केवल वही कर पाए हैं अपन इसके अंदर। सो 6000 किलोमीटर डीप है कोर से लेकर क्रस्ट तक का जो डीपनेस है वो 6000 किलोमीटर डीप है। सो अपनी ये तीनों लेयर्स कंप्लीट होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रॉक्स, रॉक्स जिप कितने टाइप की होती है एंड रॉक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे और जानेंगे वो कैसे बनती है और कैसे क्या होता है। इसलिए थैंक यू सो मच।